हेलो गाइज, आप लोगों का दी फ्यूचर जेई में स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कन्वर्ट इन टू पल्सेटिंग डीसी। रेक्टिफायर के दो प्रकार होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो प्रकार होते हैं, एक सेंटर टैप रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम लोग इसका इफिशेंसी और रिपल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। रिपल फैक्टर उसको कहते हैं जिसमें कि अनवांटेड पदार्थ की कितनी मात्रा रह गई है जो हमको नहीं चाहिए थी आउटपुट में। जैसे कि रेक्टिफायर में एसी को इनपुट करते हैं और हमको डीसी चाहिए होती है, लेकिन हमको पल्सेटिंग डीसी मिलती है, क्योंकि उस पल्सेटिंग डीसी में कुछ मात्रा एसी की रह ही जाती है, इसलिए हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो उसका मात्रा कितना कम है उसी फैक्टर को बताने के लिए हम लोग रिपल फैक्टर का उपयोग करते हैं, जिसका कि सेंटर टैप में रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर 0.48 होता है। और इसका एफिशिएंसी की बात करें तो 81% के लगभग होता है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में ज़्यादा बेस्ट फुल वेव रेक्टिफायर को मानते हैं, क्योंकि उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग आज एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि नाम है फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, जिसमें कि कंपोनेंट हम लोग यूज किए हैं 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, दो डायोड यूज किए हैं और एक रजिस्टर और एक एलईडी जो कि हमको इंडिकेट करेगा कि इसका डीसी फॉर्म हम लोग के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें से ट्रांसफार्मर का काम है, जिसमें कि हम लोग ट्रांसफार्मर एक दो तरह का होता है, स्टेप डाउन एक स्टेप अप। हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए हैं जो कि 220 वोल्ट को लगभग 12 या 13 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और ये दोनों डायोड एक पॉजिटिव साइकिल पे वर्क करेगा, एक नेगेटिव साइकिल पे वर्क करेगा। आउटपुट एसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक सेंटर टैप है और ये दो कनेक्शन इसका डायोड में। एक एक जगह पे अगर डायोड वन के पास पॉजिटिव साइकिल आता है तो डायोड टू के पास नेगेटिव साइकिल आएगा। डायोड वन जो है कि फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और डायोड टू रिवर्स बायस में, जिसके कारण से ये कनेक्शन इसका रजिस्टर पे है, रजिस्टर में हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा और ये सेंटर टैप डायरेक्ट एलईडी से है। और जब डायोड वन के पास जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड वन के डायोड टू के पास पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तो वहाँ पर डायोड टू जो है कि फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और डायोड टू जो है कि फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और डायोड वन रिवर्स बायस में। और ये फिर हम लोग के यहाँ पे आउटपुट रजिस्टर में मिल जाएगा और सेंटर टैप एलईडी में कनेक्टेड है। इसमें एसी सप्लाई देते हैं जो कि हम लोग यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं। तो हम अभी ट्रांसफार्मर का आउटपुट चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा। तो हमने एक मल्टीमीटर लिया है, उसके बाद ट्रांसफार्मर का आउटपुट चेक करेंगे। जो कि मेरा 13 पॉइंट को समथिंग आ रहा है वोल्टेज, 12.18 है। इसको कनेक्ट करो, सही से कनेक्ट करो, कनेक्ट है। हम लोग अब इसका सेंटर ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप चेक करने जा रहे हैं, ये सेंटर टैप में डिवाइड कर रहा है या नहीं। हम लोगों को आउटपुट में यहाँ पे 13 वोल्ट मिला था, अब हम लोग सेंटर टैप इसका चेक करने जा रहे हैं। सेंटर टैप को चेक करने में हम लोगों को इसमें 6 समथिंग का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग को पता चल रहा है ये डिवाइड कर रहा है।